हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं फैमिली हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ताकत को बढ़ाने के बारे में, यानी कि किसी भी प्रकार की आपको कमजोरी है, चाहे शारीरिक कमजोरी हो, चाहे सेक्सुअल कमजोरी हो, चाहे सेक्सुअल किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, तो आप उसको कैसे दूर कर पाएंगे। आपके अंदर शक्ति की कमी है, पावर की कमी है, तो आप उसको कैसे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद में ऐसी कौन सी औषधि है, आयुर्वेद में ऐसा कौन सा तरीका है जिसको यूज़ करके, जिसका इस्तेमाल करके आप जो है बिल्कुल शक्तिशाली बन सकते हैं, उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। एक्चुअली बार बार आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि ताकत कम है, आलस्य रहता है, आलस्य घेरे रहता है, कोई चीज़ उठाओ तो ज़्यादा वजन नहीं उठाया जाता, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, दौड़ जाओ तो सांस फूलने लगती है, बहुत ही ज़्यादा कमजोरी है, इसके लिए कोई वीडियो बनाएं, तो उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो अगर आपको भी जानना है, आपको भी अगर पावर चाहिए, आप भी एक शक्तिशाली एक इंसान बनना चाहते हैं जिसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की कमजोरी ना हो, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि मैं इस टाइप की बहुत सारी वीडियोज लेकर के आने वाला हूँ जो आपके हेल्थ के लिए होगी, जो आपके जीवन को बिल्कुल सुखमय और खुशहाल बनाने में मदद करेगी। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो हम बात करते हैं कि आयुर्वेद के हिसाब से ऐसा कौन सा तरीका है जिसको अपना करके हम अपने बॉडी को बिल्कुल भी शक्तिवान बना सकते हैं। तो उसके लिए आयुर्वेद में कुछ चूर्ण बताए गए हैं जो अगर आप लेते हैं, जिनका सेवन करते हैं, तो किसी भी प्रकार की आपके बॉडी में कमजोरी है तो बिल्कुल भी दूर हो जाएगी। उसका नाम है सतावर, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली और कोच के बीज। ये चार ऐसे चूर्ण हैं जो कि आयुर्वेद के बिल्कुल ताकतवर औषधियों के अंदर गिने जाते हैं। तो आप इन चारों को जो है रात में खाने के एक घंटे बाद एक गिलास दूध में इन चारों को इस हिसाब से मिलाएं कि चारों को मिलाने के बाद जो है आधा चम्मच जो है ये बन पाए, और आधे चम्मच को एक गिलास दूध में मिला करके अच्छे से मिक्स करके और आप इसका सेवन करते हैं तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है आपके बॉडी के अंदर, किसी भी प्रकार की कमजोरी है या फिर सेक्सुअल किसी भी प्रकार की कमजोरी है, तो वो सब कुछ दूर होगा। चाहे वो नाइटफॉल की प्रॉब्लम हो, बाथरूम के साथ चिपचिपा पदार्थ जाने का प्रॉब्लम हो, शारीरिक कमजोरी हो, किसी भी प्रॉब्लम को ये बिल्कुल दूर करने में सक्षम है। लेकिन ये जो चारों चूर्ण है, जो ये चारों पाउडर है, वो सिर्फ वो लोग लेंगे जो शादीशुदा हैं। शादीशुदा से पहले अगर हैं, जो बैचलर लोग हैं, उन्हें अगर लेना है तो इन चारों में से सिर्फ एक को काट देना है, यानी कि कोच के बीज को नहीं लेना है। बाकी सतावर, अश्वगंधा और सफ़ेद मूसली, ये तीन चीज़ आप लेंगे तो ये आपके बॉडी को बूस्ट करेगा। अगर आप कमज़ोर हैं, दुबले पतले दिख रहे हैं, तो आपके बॉडी को भी ग्रो करेगा, तो आप बिल्कुल एक सेहतमंद इंसान दिखेंगे, ज़बरदस्त पावर आपके अंदर नजर आएगा। ये सभी को जब आप दूध में मिलाएंगे तो दूध थोड़ा सा कड़वा हो जाएगा, तो आप कड़वे को अगर दूर करना चाहते हैं तो अगर ठंडी का मौसम है तो आप जो है इसके अंदर गुड़ मिलाएं। चीनी किसी भी हालत में आपको नहीं मिलाना है, क्योंकि अगर आप इसमें चीनी मिक्स करते हैं तो इसके काफ़ी सारे गुड़ जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं, तो इसमें चीनी आप ना मिलाएं, आप इसके अंदर गुड़ मिला लें। अगर सर्दियों का मौसम है और अगर गर्मियों का मौसम है तो आप इसके अंदर मिश्री मिलाएं, धागे वाली मिश्री, तो आपके लिए जबरदस्त प्रभाव दिखाएगा। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि क्या इसे इतनी गर्मियों में ले सकते हैं, तो अगर गर्मी ज्यादा है तो आपको इसमें मिश्री मिलाना है। जब आप इसमें मिश्री मिला देंगे तो इसकी तासीर जो होती है वो ठंडी हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन अगर सर्दियों में लेना है तो आप इसके अंदर गुड़ मिलाएं। तो ये तो हो गया पुरुषों के लिए। महिलाएं सिर्फ जो है सतावर का सेवन करें, आधे से एक चम्मच रात में जो है एक गिलास दूध के अंदर सतावर को डाल करके मिक्स करके उन्हें लेना चाहिए। किसी भी उम्र की महिलाओं को सतावर ज़रूर लेना चाहिए, ये आपके पूरे बॉडी को विकास करता है। अगर आपकी बॉडी में विकास नहीं है तो आपके बॉडी को विकास करेगा,
आपके स्तनों के आकार को बढ़ाने में मदद करेगा। अगर स्तनों का विकास प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है तो उन्हें विकास करेगा। और जो भी माताएं दूध पिला रही हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, तो दूध भी बढ़ाने में ये मदद करता है। और बेबी होने की वजह से जो बॉडी में कमजोरी आई हुई हैं उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा और जल्द से जल्द आपकी बॉडी को ग्रो करने में मदद करेगा। तो ये सभी माताओं बहनों को लेना चाहिए जो लोग कमज़ोर हैं या फिर नहीं हैं। ये अगर आप लेते रहती हैं इसको तो आपकी बॉडी हमेशा एक बेहतर सुडौल बनी हुई रहेगी। और इन सब के अलावा आयुर्वेद ये कहता है कि जो भी दवा लेते हैं, जो भी आप दवाओं का सेवन करते हैं, इन सब के अलावा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप योग प्राणायाम भी करें। तो ताकत के लिए अगर हम योग प्राणायाम की बात करें तो उसके अंदर जो है भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीर, ये 5 आसन ऐसे हैं जिनको आपको करना ही चाहिए। इनको अगर आप करते रहते हैं और जो भी बताया गया है, जो औषधियाँ, इसको अगर आप लेते रहते हैं तो आपके अंदर ज़बरदस्त पावर होगा, ज़बरदस्त शक्ति आएगी। अगर इन सब प्राणायाम के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो YouTube पर सर्च कर सकते हैं, बाबा रामदेव जी के काफ़ी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो बिल्कुल सही तरीका बताते हुए मिलेंगे कि ये सारे प्राणायाम आपको कैसे करना है। अब काफ़ी लोग ये कहेंगे कि पहले अपने अंदर ताकत लेकर के आओ, पहले अपने खुद मोटे हो जाओ, पहले अपना वजन बढ़ा लो, उसके बाद ज्ञान देना। बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हाइट और उम्र के हिसाब से वेट का कैलकुलेशन होता है कि कितना वेट होना चाहिए। तो जो मेरा हाइट है, जो मेरा एज है, उसके हिसाब से मेरा वेट 59 केजी होना चाहिए, लेकिन मेरा वेट इस वक्त 66 केजी है। अब आप ही बताओ मुझे कितना वेट और बढ़ाना चाहिए। यह ऑलरेडी वेट ज़्यादा है, इसको हमें और कम करने की ज़रूरत है, ना कि हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। तो आप सामने वाले को देखने के बजाय अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप उस पर ध्यान दें, ना कि मेरे ऊपर ध्यान दें। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या अच्छा लगता है, वो मैं अपने हिसाब से अपने आप को देखूंगा और मैं जैसा चाहता हूं वैसे मैं अपने आप को फिट रख रखा हूं। आपको कैसा करना है, आपको कैसा रखना है अपने आप को, आप अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। मैं आपको सही रखने की बात करता हूं और आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आप शेयर कर सकते हैं, उस पर वीडियोस मिलती रहेंगी। और इन सब के बावजूद अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है तो ये सब सारी दवाइयां भी बेकार हो जाएंगी। अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है तो क्या होगा कि आपको आए दिन सर्दी जुकाम, जैसे ही मौसम बदलेगा, कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपको होती रहेंगी, जिसके वजह से भी वेट बढ़ने में या फिर आपके शक्ति में कमी आती है, आपके पावर में कमी आती है। तो उसके लिए इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए सबसे ज़बरदस्त होता है आयुर्वेद में गिलोय। अगर आप गिलोय का सेवन करते हैं तो ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को ज़बरदस्त बूस्ट करता है, जिसके वजह से क्या होगा कि आपका मोटापा कंट्रोल होगा। एक्चुअली गिलोय के बारे में ये बताया जाता है कि मोटापा को भी कंट्रोल करता है। तो काफ़ी दुबले पतले लोग ये पूछते हैं कि अगर हम लेंगे तो क्या हमारा वेट और कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो लोग दुबले पतले हैं उनको लेना चाहिए। वेट कम करने, मोटापा कम करने का मतलब ये है कि जो एक्सेस फैट है, जो फालतू के फैट हैं, जो फालतू की चर्बी है, उसको कम करता है। लेकिन अगर आप दुबले पतले हैं तो आपको हेल्दी बनाने का भी काम करेगा, जिसके वजह से आप एक बिल्कुल फिट देखेंगे। ये शुगर को भी कंट्रोल करता है और बार बार हो रहे सर्दी जुकाम को ये जो है दूर करता है और आपके प्लेटलेट्स को जो है ये बढ़ाने का काम करता है। जबरदस्त औषधि है, तो ये भी हर व्यक्ति को लेना चाहिए। सुबह खाली पेट 1 या 2 गोली जो है इसको लेना ही लेना चाहिए। इससे बहुत ही ज्यादा रोग ऐसे हैं जो आपको छू भी नहीं सकेंगे। और इसके बाद अगर आप इन सब चूर्ण का सेवन नहीं करना चाहते हैं तो आपको बलारिस्ट सिरप का सेवन करना चाहिए। यह आयुर्वेद का एक क्लासिकल मेडिसिन है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है, बहुत ही ज़बरदस्त असर है इसका। अगर आप इसको लेते हैं तो ये भी सभी प्रकार के कमजोरी को दूर करने वाला है। जैसे मान लीजिए शारीरिक कमजोरी हो गई, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो गई, सेक्सुअल कमजोरी हो गई, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो गई, जोड़ों में दर्द हो गया, गठिया वगैरह हो गया, यानी कि जितनी भी कमजोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उन सभी के लिए ये ज़बरदस्त दवा है, ज़बरदस्त आयुर्वेद की औषधि है बलारिस्ट। बलारिस्ट का सेवन आपको करना चाहिए। ये सुबह शाम 3 से 4 चम्मच जो है बराबर पानी के साथ आपको लेना चाहिए।
तो दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। ये नहीं कि आप चूर्ण का भी सेवन करें और साथ में बलारिष्ट का भी सेवन करें, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको दोनों में से कोई सा भी एक सेलेक्ट करना है, तो दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। बलारिष्ट जो है आपके हड्डियां, मांसपेशियां वगैरह सब कुछ को जो है ये मजबूत करने का काम करता है। तो इस तरीके से आप दोनों में से कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप अपने सुविधा के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको दूध अवेलेबल है, दूध पचता है, दूध आप पीते हैं डेली, तो आपको चूर्ण का सेवन करना चाहिए, जो मैंने बताया चारों या फिर तीन। और उसके बाद अगर आप दूध नहीं पचता है, आपको दूध नहीं लेना चाहते हैं, पानी से लेना है, तो आपको बलारिष्ट सिरप का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि आपको क्या करना चाहिए, आपको ताकत के लिए आयुर्वेद का कौन सा औषधि इस्तेमाल करना चाहिए। अगर फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं इसका जवाब दूंगा। और दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस लेकर के आता रहता हूं जो आपके हेल्थ से रिलेटेड होती है, जो आपके जीवन को बिल्कुल स्वस्थ, सुखमय और खुशहाल बनाने में मदद करती है। तो दोस्तों, इस वीडियो तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए और दवाओं से मुक्त होने के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि स्वस्थ शरीर में ही सुंदर मन का वास होता है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।